धर्मधानी उज्जैनी में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में 10 नवंबर को धनतेरस के अवसर पर कुबेर की प्रतिमा पर इत्र लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी। आश्रम परिसर में स्थित 84 महादेव मंदिरों में 40वें क्रम के शामिल कुंडेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में यह प्राचीन प्रतिमा के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि कुबेर की प्रतिमा की नाभि में इत्र लगाने से समृद्धि प्राप्त होती है। मंदिर के पुजारी शैलेंद्र व्यास का कहना है कि मंदिर में विराजित कुबेर की आकर्षक प्रतिमा की बनावट में कुबेर के एक हाथ में सोम पात्र है तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। कंधे पर धन की पोटली रखी हुई है। प्रतिमा पर तीखी नाक, उभरा पेट, शरीर पर अहंकार से कुबेर का स्वरूप आकर्षक है। इस प्रतिमा को लेकर पुरातत्व के जानकारों का कहना है कि यह प्रतिमा मध्यकालीन यानी 800 से 1100 वर्ष पुरानी है। कुंडेश्वर मंदिर के गर्भगृह में धन कुबेर की प्रतिमा के साथ ही बालाजी, वामन देव, भगवान नारायण की प्राचीन प्रतिमाएं भी स्थापित है। यहाँ पर धनतेरस से दीपावली पर्व तक भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। मनोकामना के लिए कुबेर की तोंद पर हाथ फेर कर इत्र लगाते हैं। इससे कुबेर देव प्रसन्न होकर धनधान्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पंडित व्यास ने बताया कि मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब महर्षि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा पूरी कर ली थी और वापस घर जाने का समय आया तो गुरु दक्षिणा देने के लिए भगवान नारायण के सेवक कुबेर धन लेकर आश्रम आए थे। तब गुरु ने कुबेर का धन लेना अस्वीकार कर दिया था। गुरु ने कृष्ण से कहा कि मेरे पास जो कुछ था वो आपको अर्पण कर दिया है, मुझे संपत्ति की कोई चाह नहीं। इसके बाद कुबेर यहीं विराजमान हो गए। बाद में भगवान श्री कृष्ण के जाने के दौरान गुरु ने कुबेर का खजाना वापस देते हुए कृष्ण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया। ये बैठे हुए कुबेर की अद्भुत प्रतिमा है, चार हाथ है इनके। यहाँ कृष्ण की गुरु दक्षिणा के लिए उपस्थित हुए थे लेकिन गुरु ने इन्हें यहीं बैठा लिया। तो कृष्ण को आशीर्वाद के साथ जब अध्ययन पूर्ण हुआ, जब आपका पढ़ाई पूरी हो जाती है उसके बाद विद्यार्थी का धन का मार्ग खुलता है, तो यहाँ से धन का मार्ग खुलता है सांदीपनी ऋषि के आश्रम से। यहाँ पर धनतेरस के दिन हजारों श्रद्धालु इत्र, फूल, पंचामृत, पंचमेवा और इनको प्रसन्न करते हैं। अपने धन वृद्धि की कामना के कारण ये विशेष प्रसिद्ध मंदिर है कुबेर का। यहाँ पर कुंडेश्वर महादेव के सानिध्य में इनको कुबेरेश्वर भी कहा जाता है।